हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर सेशंस ऑफ समरीज आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास ट्वेल्व की इंग्लिश की फ्लमिंगो बुक से एक चैप्टर है विच इज द इंटरव्यू तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या है लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में है तो इसलिए जो समरी बनाई गई है वो दोनों पार्ट्स के लिए इकट्ठी बनाई गई है थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है बट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ईच एंड एवरी आस्पेक्ट को कवर अप कर सकूं सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि मेन बेस क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पेनग्विन बुक ऑफ इंटरव्यूज इन द फर्स्ट पार्ट क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ज डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ दिस बुक एंड द सेकेंड पार्ट इज एन एग्जर्व फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बेरतो एको एंड इटालियन राइटर तो देखिये सबसे पहले तो ये है राइटर का नाम तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है और उन्होंने ये जो चैप्टर लिया है वो एक बुक दी पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज जिसमें कुछ इंटरव्यूज हैं उससे एक एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में ये चैप्टर लिया है इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी बुक के इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट पर मतलब इसी बुक की इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है क्योंकि आपको चैप्टर का नाम क्लियर कर रहा है इट्सैल्फ तो दैट मीन्स इसके फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यूज से रिलेटेड ही कंसेप्ट होगा आपको बुक के टाइटल से भी क्लियर हो रहा है कि इंटरव्यू की बात की जा रही है तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट है इंटरव्यूज को लेकर और जो सेकेंड पार्ट है उसमें एक इंटरव्यू है एक इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट है मतलब एक हिस्सा है एक पार्ट है और उसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि अब हमें डिस्क्रिप्शन में मतलब ब्रीफ समरी हमें क्या बताते हैं द राइटर फर्स्टली टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू दैट वॉज इन्वेंटेड ओवर 130 थर्टी ईयर्स अब अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर जो हमें कहा गया है वो क्या है कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली 130 साल पहले इन्वेंट किया जा चुका था और राइटर हमें यह बताते हैं कि इंटरव्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑलमोस्ट एवरीबडी विल हैव एक्सपीरियंस्ड एन इंटरव्यू मतलब हर किसी का अनुभव जरूर होगा इंटरव्यू को लेकर अब वो अनुभव कैसा हो सकता है इधर रेडिट और हैव हर्ड ऑफ सेलिब्रिटीज बींग इंटरव्यूज इंटरव्यूड देखो हमारे माइंड में कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो होती है चाहे वो किसी स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हो चाहे वो किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो बेसिकली है कि अगर हमारी सेलिब्रिटी से रिलेटेड हमें इंटरव्यू देखने को या पढ़ने को मिल जाए तो हम या तो उसे पढ़ते हैं या फिर हमारी उन सेलिब्रिटीज का जो इंटरव्यू सेशन होता है हम उसे जरूर सुनते हैं ताकि हमें हमारी उन सेलिब्रिटीज के बारे में और ज्यादा बेटर तरीके से पता चल सके तो यहां पर आपको यही बात बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी विल हैव एक्सपीरियंस्ड एन इंटरव्यू की हर किसी ने जरूर इंटरव्यू का अनुभव किया ही होगा देयर आर डिफरेंट ओपीनियंस रिगार्डिंग दी फंक्शन्स मैथड्स एण्ड मैरिट्स ऑफ इंटरव्यू जैसे हर एक कंसेप्ट के हम देखते होते हैं कि कुछ प्रॉज होते हैं और कुछ कौन्स होते हैं मतलब कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इंटरव्यू है हर एक के इंटरव्यू को लेकर अपने अपने व्यू प्वाइंट्स हैं अपने अपने ओपिनियंस हैं तो इंटरव्यू के फंक्शन को लेकर इंटरव्यू के डिफरेंट मेथड्स को लेकर इंटरव्यू फायदेमंद है या नहीं है तो उसके मैरिट्स को लेकर हर एक का अपना अपना ओपिनियन है अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो हमें क्या बात उभर कर आती है हमें क्या पता चलता है क्लेम मतलब कुछ तो ये दावा करते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि कोई भी चीज जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है मतलब विज्ञान भी है और कला भी है तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इंटरव्यू है अब जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू अगर लिया जाता है तो वो बेसिकली इसी व्यू प्वाइंट से लिया जाता है ना कि जो सामने वाला इंडिविजल है मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो अपने बारे में ट्रूथ बता रहे है। है ना अगर गलत बताएगा तो उसे इंटरव्यू मतलब पास नहीं होगा जॉब नहीं मिल पाएगी तो इसलिए इंटरव्यू के प्लस पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए कुछ का जो क्लेम है वो क्या है कि इंटरव्यू ट्रुथ प्रोवाइड करता है ठीक है एंड इन इट्स प्रैक्टिस और एक्चुअली जब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है वेरियस फील्ड में तो उस एप्लीकेशन को हमें एक के रूप में समझ सकते हैं या देख सकते हैं लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी लेकिन उल्ट में अगर हम समझे मतलब प्रॉज वाला प्वाइंट हमें पता चला लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें अगर हम अब दोष की बात करें तो हमें क्या पता चलता है सम रिगार्डेड एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट इन टू आर या इन टू देअर लाइफ अब क्या होता है कई बार होता है ना कि घर में कोई अनचाहा मेहमान आ जाए तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोगों ने इंटरव्यू को एक अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह या अनवेलकम्ड विजिटर की तरह डिनोट किया है दे फील दैट इट देम उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हें कमजोर कर देता है इन्हें नीचा दिखाया जाता है अब जैसे कई बार होता है ना कि इंटरव्यू में अगर सेलिब्रिटीज का आपने कभी इंटरव्यू देखा हो या इवन न्यू जो लाइक डेली सोप्स आते हैं सीरियल्स वगैरह आते हैं तो अगर इनके थ्रू भी देखा हो तो कई बार इंटरव्यूज में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सामने वाले की इंसल्ट हो जाए तो इससे हमें ऐसा पता चलता है कि जो इंटरव्यू है वो एक्चुअली गुडविल को रेप्यूटेशन को डिमनिश भी करते हैं अब सिल्वेस्टर लिस्ट आउट वेल नोन राइटर्स हु आर अगेंस्ट इंटरव्यू तो अब जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के उन्होंने हमें कुछ नाम यहां पर बताए हैं जो कि अगेंस्ट इंटरव्यू है मतलब जो कि इंटरव्यू के खिलाफ हैं जिनमें से कुछ नाम जैसे वी एस नाईपोल किपलिंग लुइस कैरोल एच जी वेल्स सॉल बेलो जिनमें से अगर मैं कुछ लिस्ट आउट करूं तो जैसे जो ये वी एस नाईपॉल है इन्होंने बेसिकली इंटरव्यू को जख्म देने वाला वोट्स देने वाला कहा है बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं लुइस कैरोल की बात करूं तो इन्होंने इंटरव्यू को एक हॉरर बताया है रूडियार्ड किपलिंग ने तो बल्कि इसे क्राइम इसे इमोरल ही डिनोट कर दिया और इवन ये तक भी कहा कि इसके लिए पनिशमेंट भी मिलना चाहिए तो कुछ इस तरीके के थॉट्स हमें अगेंस्ट दी इंटरव्यूज के बारे में भी बताया गया ट डिस्पाइट ऑफ इट्स ड्रा बैक्स लेकिन इसकी कमियों के बावजूद भी द इंटरव्यू इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि ये कम्युनिकेशन के जरिए इस तरीके के मोड के कम्युनिकेशन के जरिए एक्चुअली जो इंटरव्यूअर है उसे जिसका इंटरव्यू वो ले रहा है उसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ सो द सेकंड पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बेरथो एको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉलोगना इन इटली हू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्कॉलरली राइटिंग्स अब कौन कौन से विषय पर उन्होंने राइटिंग्स अपनी दी हैं वो कुछ विषय आपको यहां पर ब्रैकेट्स में बताए गए हैं ऑन सेमीओटिक्स लिटररी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिएबल एस्थेटिक्स मतलब इट इज रिलेटेड टू दी स्टडी ऑफ साइंस मतलब चिन्ह से रिलेटेड या जो साइन लैंग्वेज जैसे होती है तो उससे रिलेटेड इनकी स्कॉलरली राइटिंग मतलब इनकी राइटिंगस हुआ करती थी बिल्कुल इसी तरीके से साहित्यिक इतिहास से रिलेटेड ये इंटरप्रिटेशन करते थे और सौंदर्य शास्त्र ये जो एस्थेटिक्स आपको यहां पर लिखा गया है इसका मतलब है कि जो मिड पीरियड में मतलब अगर हम हमारे हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें मेडिवल पीरियड की बात करें तो उस वक्त के सौंदर्य शास्त्र पर बेस्ड इनकी राइटिंग्स हुआ करती थी अब क्योंकि ये अर्लियर मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको बता चुकी हूं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये अम्बेरतो एको के इंटरव्यू में से लिया गया है वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगेना में जो कि इटली में स्थित है तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इस इंटरव्यू से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिये हु इज बींग इंटरव्यूड ये तो आपको पता चल गया ओम बैर तो लेकिन इंटरव्यूअर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए सो दिस इज दी नेम ऑफ इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मानम्बन ही वॉज दी जर्नलिस्ट फ्रॉम दी हिंदू मतलब द हिंदू नाम की पत्रिका से एक जर्नलिस्ट हैं मुकुंद पद्मानंबन जिन्होंने उम्बैरतो एको का ये पर्टिकुलर इंटरव्यू लिया था एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्राट अस टू नो मेनी आस्पेक्ट ऑफ हिस्स राइटिंग स्टाइल एंड आइडियाज मतलब उनके विचारों के बारे में उनके लिखने के तरीके के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है इस इंटरव्यू के जरिए दो इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ अम्बेरथो डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम बट ही सेज दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग एक्चुअली चैप्टर के स्टार्टिंग में ना डेविड लॉज नाम के एक इंडिविजुअल का नाम है जिसका रेफरेंस देकर मुकुंद जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और ये लाइन कहते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल लाइक कि एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पर इतने सारे काम कैसे कर सकता है तो इस बात को डिनाई करते हुए जो अम्बैरतों हैं वो ये रिप्लाई करते होते हैं कि मुझे तो नहीं ऐसा लगता ही सेज दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग तो वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही काम कर रहा हूं क्योंकि वो अपने फिलोसफिकल वर्क पर ही कंसेंट्रेटेड रहते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो अपनी फिलोसफिकल राइटिंग्स पर ही ध्यान देते थे चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ स्टोरी लिखना होता था या फिर कोई नावल लिखना हो नेक्स्ट आगे वो क्या कहते हैं ही रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस अपनी कामयाबी का जो सीक्रेट है वो बताते हैं क्या बताते हैं ही सेज दैट वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ एम्पटी स्पेसेज इन आर लाइव एमटी स्पेसेज के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है टेक्स्ट में विच इज इंटर जिसका मतलब इंटरवल से होता है गैप से होता है तो इसलिए एम्प्टी स्पेसिस के बारे में यहां पर कहा है कि अम्बैरतो एको ये कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ एम्प्टी स्पेस होता है मतलब खाली टाइम स्पेयर टाइम सबके पास होता है एंड ही वर्कस इन सच एम्पटी स्पेसिस और वो छोटी छोटी स्पेसेस जब मिलती है ना वो छोटे छोटे इंटरवल्स जब मिलते हैं ना तो वो उन इंटरवल्स के इस्तेमाल करकर ही अपना काम करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी कि उन्होंने ये जिक्र किया था कि जितने टाइम तक मुकुंद जो है वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंचे थे इवन उतने से छोटे से एम्पटी स्पेस में भी उन्होंने एक आर्टिकल लिख डाला था नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्या बताते हैं वेन ही इज आस्क्ड अबाउट दी पर्सनल एंड पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ राइटिंग्स ही रिकॉल्स दी सबमिशन ऑफ हिज फर्स्ट डॉक्टोरल थीसिज एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू इन विच ही हैड टोल्ड दी स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ऑन दी हाइपोथसिस और कंक्लूजन ऑफ द स्टडी देखो बेसिकली यहां पर आपको क्या बताते हैं यहाँ पर जो इंटरव्यूअर हैं मतलब जो मुकुंद हैं वो इनसे ये पूछते हैं कि आपकी जो राइटिंग्स होती हैं उसमें एक पर्सनल टच क्यों होता है या एक स्पेसिफिक स्टाइल से ही आप क्यों लिखते हो आगे चलकर हमें वो स्टाइल भी बता रखा है नरेटिव स्टाइल जैसे कोई स्टोरी नरेट करता हो इस तरीके से आप क्यों लिखते हो जब उनसे ये पूछा गया था फिर भी तब भी उस वक्त भी उन्होंने एक मोमेंट रिकॉल किया था और क्या बताया था वो याद करते हुए ये बताते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट जैसे डॉक्टोरल मतलब जैसे पीएचडी का थीसिस सबमिट करवाना होता है ना तो एट द टाइम ऑफ एज ऑफ ट्वेंटी टू उन्होंने अपना फर्स्ट जो थीसिस डिपॉजिट करवाया था सबमिट करवाया था उसमें उन्होंने एक्चुअली जो रिसर्च किया है ना उसकी सारी की सारी स्टोरी लिख डाली थी मतलब जो परेशानियां आई या जो भी उन्हें फेस करना पड़ा वो हिट एंड ट्रायल्स एंड ऑल दैट सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया था इंस्टेड ऑफ बल्कि स्ट्रेस किस चीज पर किया जाना चाहिए था स्ट्रेस किया जाना चाहिए था कि हमने क्या एजम्पन्स ली हैं और क्या हमारी स्टडी का कंक्लूजन निकला है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था लेकिन फिर भी जो उनके टीचर थे उन्हें उनकी ये रिसर्च बहुत पसंद आई थी नेक्स्ट आगे अब यहां पर आपको उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग बता रहे हैं कि हिज एसेज ऑलवेज हैव अ अरेटिव एस्पेक्ट, जैसे एक स्टोरी नरेट करते हैं तो इस तरीके से उनकी लिखावट होती है मतलब उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं।

ठीक है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उन्हें एज अ नॉवलिस्ट ही रिकोगनाइज करते हैं बट ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एकमेडिशन लेकिन वो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर के तौर पर ही समझते हैं मानते हैं जो कि संडेज या छुट्टी वाले दिन पर या वो छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस वाला टाइम निकालकर ही लिखता है नेक्स्ट आगे आपको क्या बताते हैं वेन मुकुंद आस्क सिम द रीजन बिहाइंड दी ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज अब ये नेम ऑफ द रोज क्या है नेम ऑफ द रोज एक नॉवल है अम्बेरतो एको के द्वारा लिखा हुआ उस नॉवल ने अपने टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की थी मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो बिकी थी तो यहां पर आपको हल्का सा बताया गया है कि ये जो नॉवल था उसमें क्या था इट इज अ वेरी सीरियस नॉवल हैविंग अ डीप स्टडी इन टू मेटाफिजिक्स मतलब बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड जैसे हम इल्यूजनरी वाला कंसेप्ट कह देते हैं थियोलॉजी दैट इज द साइंस ऑफ रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड धर्मशास्त्र हम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं एंड मेडिवियल हिस्ट्री मतलब जो मिड टाइम पीरियड की हिस्टोरिकल पीरियड है उसका जिक्र इस नोवेल में किया गया था अब एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था जिस वक्त ये नोवेल पब्लिश हुआ था लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी अम्बेरतो इको ने बल्कि अम्बेरतो इको नहीं जो पब्लिशर्स हैं, क्योंकि जब उनसे ये बात पूछी गई थी तब वो कहते थे कि मुझे नहीं मुझसे भी ज्यादा हैरानी जो थी वो पब्लिशर्स को हो रही थी कि इतनी ज्यादा कॉपीज इसकी कैसे बिक गई क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ थ्री थाउजेंड कॉपीज तक ही इमेजिन किया था कि बिकेंगी लेकिन ये मिलियंस में बिकी थी टू टू थ्री मिलियंस तो जब अम्बेरतो एक से ये सवाल किया गया कि इतनी बड़ी इतनी ग्रैंड सक्सेस आपको हासिल हुई इस नोवेल को लेकर तो ही ऑनेस्टली रिप्लाई मतलब ईमानदारी से और बहुत ही मॉडेस्टी से उन्होंने क्या रिप्लाई किया दैट इट इज अ मिस्ट्री इवन टू हिम कि ये तो एक रहस्य की बात है ही सेज दैट इफ दी नॉवल हैड कम टेन ईयर्स लेटर और अर्लियर इट वुड नॉट हैव गॉड सच सक्सेस तो बेसिकली यहां पर वो समय की बात कर रहे हैं समय को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि अगर यही नॉवल 10 साल पहले या 10 साल बाद में आया होता तो हो सकता है कि इतनी सक्सेस हासिल ना हुई होती जैसे होता है ना कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सिंगर्स देखते हैं कि नए नए उभर कर आ रहे हैं एक बार के लिए उभरते हैं बहुत नेम एंड फेम गेन होता है लेकिन उसके बाद नहीं है ना उसके बाद स्लो हो जाती है प्रोग्रेस तो यहां पर बेसिकली आपको है कि हाँ हर एक चीज का एक पर्टिकुलर समय होता है कोई चीज किसी समय में ज्यादा हावी होती है कोई किसी समय में नहीं हावी होती है तो यहां पर टाइम की एप्रिसिएशन एको ने की थी तो इस तरीके से यहां पर जब वो अपने इस नॉवल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है मतलब ये पार्ट टू भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट वी कैन बेसिकली कंक्लूड फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इंटरव्यू इज अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन तो ये संचार का कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही पावरफुल टूल है बल्कि मैं तो कहूंगी कि इंटरव्यू जो है ना वो एक पावरफुल टूल है इन जर्नलिज्म क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर इंटरव्यू की बात की गई है यहां पर जर्नलिस्ट की बात की गई है तो हम कहेंगे कि एक इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हम जर्नलिज्म फील्ड को इंटरव्यू के बिना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं सेकेंडली अगर हम देखें तो देखो जब हमने पार्ट वन डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि कुछ व्यू प्वाइंट हमें फेवर में बताए गए थे और कुछ हमें अगेंस्ट में बताए गए थे तो हम अम्बेरतो एको के इस एक्सपीरियंस या इस इंटरव्यू के द्वारा हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ही डज नॉट डिस्पाइस बींग इंटरव्यूड मतलब वो इंटरव्यू देने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है सो दैट मॉज दी एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर समरी आई होप कि मेरी तरफ से ये जो एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये चैप्टर समझाने की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रू दिस समरी ये चैप्टर समझ में आया होगा काइंडली डू समनर्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए वीडियोस को शेयर करना लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे